नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना नागर। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र के विठल नगर निवासी सेठ विठल दास के घर में 20 लाख रुपए से अधिक की चोरी हुई थी। फरियादी विठल दास के यहां से 26 मई को उनके घर में काम करने वाला कर्मचारी करीब 20,50,000 रुपए चोरी कर भाग गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी से चोरी के रुपए बरामद कर लिए हैं। थाना कोतवाली पुलिस टीम ने वीडियो फुटेज में पाया कि फरियादी का नौकर लाल रंग के थैले में रखे रुपए चोरी कर ले गया है। मुखबिर की सूचना पर पता चला कि आरोपी नौकर अपने घर मुखर्जी नगर आया है। सूचना पर आरोपी नौकर को उसके घर चोर से नकदी बरामद अभिरक्षा में लेकर पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने बताया कि उसका जीजा फूल बाबू यादव के कहने पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी से नकदी 20,09,000 रुपए जब्त किए। CSP विकास पांडे ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और आगे मामले की जांच चल रही है। पुलिस को रात्रि में सूचना मिली थी कि विठल नगर में एक घर में चोरी हो गई है, तो पुलिस तत्काल मौके पर जाके पुलिस ने देखा, घर के CCTV फुटेज खंगाले और साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र के CCTV फुटेज देखने में घर का ही एक जो सेवक था उसके द्वारा ये कार्य किया गया था और उसका जो कि काम करने वाला व्यक्ति नाबालिग था और उसके जो जीजा है वो उसको सह देते थे और उनके मोटिवेशन में उसने ये काम किया। पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया था और साथ ही साथ लगभग 20 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। सचिन दीक्षित की रिपोर्ट।